नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों, 33 कोटि देवियों ने दे दिए हैं भारी संकेत। जी दोस्तों, अब अगले 3 दिनों में आने की दिनांक 6, 7 और 8 सितंबर 2022 से आपके जीवन काल में होगा बहुत बड़ा अनोखा बदलाव और परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में से एक लकी समय साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह समय आपके जीवन के सभी प्रकार की समस्याएं और सभी प्रकार की परेशानियां ब्रह्मांड की सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से समाप्त होने वाली है। और दोस्तों यह समय भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो बुरी शक्तियां या फिर जो नकारात्मक शक्तियां आपको अपने जीवन काल में लगातार परेशान कर रहे हैं या फिर जो दुश्मन आपका जीना हराम कर दिया है, दोस्तों अब उन सभी का समाप्त होने वाला है, उन सभी का अब अंत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यह समय भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार से होंगे, जिनसे आपके कार्य के क्षेत्र में लाभ होगा और घर के माहौल में वृद्धि होगी और घर से जुड़े सभी प्रकार के आर्थिक तंगियां यह समय दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले अगले 3 दिन में आपके जीवन काल में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं और कुछ ऐसे ही परिवर्तन होने वाले हैं जिनसे कि आपके जीवन पूरी तरह से सवर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो का निर्माण ग्रहों की पूरी विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर आप सभी भक्तों के लिए निर्मित किया गया है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि आने वाले अगले 3 दिन में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से और ब्रह्मांड की सभी देवियों के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, आपको क्या क्या खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, साथ ही करियर के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान और क्या क्या चमत्कार देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों साथ ही अगले 3 दिन में आपको किन किन क्षेत्र में सावधानियां रखनी होगी और कौन से बातों का ख्याल रखना होगा और कौन से चुनौतियों का भी सामना आपको करना पड़ेगा। दोस्तों सारी की सारी जानकारी आप लोगों को 100% सटीक हम देने वाले हैं, साथ ही घर के माहौल और पारिवारिक जीवन में क्या क्या बदलाव भी देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा और आपके जीवन के सारे बिगड़े कार्य और अधूरे कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, आने वाले अगले 3 दिन में आपके जीवन काल में क्या क्या परिवर्तन और आप लोगों को क्या क्या खुशखबरियां मिलने वाले हैं, आइए पूरी जानकारी बात करते हैं विस्तार पूर्वक से। दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों का जो समय रहेगा आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और लकी समय साबित होने वाला है। दोस्तों यह समय आपके जीवन से जुड़े तमाम प्रकार की परेशानियाँ, तमाम प्रकार की चिंताएँ दूर होने वाली हैं और दोस्तों आप जो भी मुसीबत से गुजर रहे हैं या आपके जीवन काल में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी ज़िंदगी की एक नया मुख रोड लेगी। और दोस्तों यह समय आपके जीवन काल के सारे सपने सच होने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों ने जो पूर्व में मेहनत की थी और जो परिश्रम किए थे लेकिन उन मेहनत और परिश्रम का आपको फल नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों अब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके सारे सपने और सारे आपके मेहनत के फल मिलने वाले हैं। और दोस्तों यह समय आपके कारोबार में मनचाह लाभ भी होगा और आपको बहुत बड़ी सफलताएं भी हाथ लग सकती है और यह समय उसके विस्तार की योजना बनेगी और सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर यह समय धन में खर्चा होंगे। यह समय भूमि भवन से जुड़े विवाद भी दूर होंगे और यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो फैसला आपके हक में भी यह समय आ सकता है और जो लोग विदेश में अपने करियर को तलाश रहे थे उनकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। और दोस्तों यह समय कामकाजी महिलाओं को विशेष लाभ हो सकता है और यह समय किसी के साथ हुई मुलाकात पहले मित्रता में और फिर बाद में प्रेम संबंध में तब्दील भी हो सकती हैं और वहीं पहले से प्रेम संबंध में चल रहे लोगों के बीच बेहतर ट्यूनिंग इसमें देखने को मिलेंगी और लोग आपकी जोड़ी की तारीफ भी इसमें करते नहीं थकेंगे। और दोस्तों इसमें आपके दाम्पत्य जीवन में सुखमय बना रहेगा और जीवन साथी के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत भी आप इसमें करेंगे।
और यह समय प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए अच्छा समय रहेगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होंगे और यह समय धन लाभ का योग भी बढ़ रहा है। यह समय समाज कल्याण की तरफ आपका रुझान भी हो सकता है और इस राशि के वर्किंग लोगों को विशेष सफलता इसमें हासिल हो सकती है। और यह समय अचानक से आपके किसी पुराने मित्र का फोन आ सकता है और यह समय जरूरत को आप भोजन कराएं। आपके आर्थिक पक्ष यह समय मजबूत रहेंगे और यह समय आप किसी भी व्यवसाय यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा आपके लिए फायदेमंद और सुखमय बना देगा और काम के साथ साथ मनोरंजन भी आपका होता रहेगा। और दोस्तों यह समय आपको कहीं से रुकावट धन भी प्राप्त हो सकता है और काम धंधे के मामले में आपको कोई रुकावटें भी इसमें हो सकती है। यह समय कोई भी मशीनी कल पूर्जे के खराब होने से आपका काम भी इसमें बाधित हो सकता है और किसी प्रकार का कोई भी सरकारी आर्थिक दंड भी इसमें देखा जा सकता है। और दोस्तों यह समय कई जातकों के धन के मामले में नुकसान हो सकता है तो कई जातकों के धन के मामले में फायदा भी हो सकता है और नौकरी पेशा वर्ग में कुछ कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी इसमें हो सकती है। और ख़ास तौर पर आपको यह समय किसी भी प्रकार के विवादों से दूर रहना चाहिए। आप उनकी स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। आपको उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है और यह समय आपको कभी महत्वपूर्ण मामला पूरा होगा। और दोस्तों आप लोग इस बात का इसमें ध्यान रखें, यदि आप किसी को ऐसे में धन उधार देंगे तो वह आपके आपसे रिश्ते में विवाद भी करा सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें और ऐसे में किसी को धन उधार बिल्कुल ही ना दें। और दोस्तों ऐसे में नौकरी कर रहे लोग उच्च अधिकारियों की कृपा से कोई अच्छा पद भी ऐसे में पा सकते हैं जिससे उनके मान सम्मान में इसमें वृद्धि भी होंगी। और इसमें माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं और उस बिजनेस में आपको काफ़ी सारी सफलताएं और तरक्की भी मिलेंगी। और दोस्तों रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को इसमें कोई अच्छी अवसर भी मिल सकता है जिससे उनका मन इसमें काफ़ी प्रसन्न और खुश भी रहेगा। और दोस्तों इसमें सेहत की दृष्टि में देखिए दोस्तों इसमें सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है। हृदय रोगी अपने दवा व उपचार संबंधी लापरवाही बिल्कुल ही ना करें और सुबह ध्यान व योगाभ्यास करना आप सभी के लिए लाभकारी साबित होंगे। और दोस्तों इसमें पारिवारिक जीवन के माहौल में देखिए दोस्तों इसमें जीवन साथी से ऑफिस व कारोबार से जुड़ी परेशानियों का कोई ना कोई हल इसमें सुझाव मिलेगा और पिता की मदद से इसमें अटके हुए सारे कार्य पूर्ण होंगे और उनके संपर्कों का लाभ भी आपको मिलेगा। और घर के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर परेशान आप इसमें हो सकते हैं। और सायंकाल का समय मित्रों और परिजनों के साथ हास परिहास में व्यतीत भी होगा और यह समय बड़े लक्ष्यों की ओर प्रेरित भी आप होंगे और आत्मविश्वास से भरे भी रहेंगे। और यह समय अवसरों को भुनाने की सोच भी आपके रहेगी और यह समय करियर व्यापार में प्रभावशाली बने रहेंगे और संपर्क संवाद भी बेहतर यह समय आपका रहेगा। यह समय बड़प्पन से काम लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेंगे और महत्वपूर्ण मामले यह समय आपके हल भी होंगे। और दोस्तों यह समय विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहने वाला है क्योंकि दोस्तों उनकी मेहनत में यह समय रंग लगेगी और उनके सारे सफलता यह समय पूर्ण होने वाली हैं।